नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध को प्रणाम करते हुए आज का धम्म चर्चा प्रारंभ करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में जब कोसल देश के राजधानी श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक महाजन ने जेतवन विहार और विशाखा महाउपासिका ने पूर्वाराम विहार दान दिए, उन समय में 54 कोटि धन खर्चा करके जेतवन विहार जिसे अनाथ पिंडिका राम भी कहते हैं और 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वाराम विहार विशाखा उपासिका ने दान दी। जब से ये श्रावस्ती नगर में ये जेतवन विहार और पूर्वाराम विहार हुआ तब से तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु श्रावस्ती को बनाया। तथागत बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार के लिए गांव नगर निगम जनपद देश देशांतर सारी का करते थे मगर वापस फिर से श्रावस्ती में आते थे। दिशा विदिशाओं में जो भिक्षु लोग थे अगर उन लोगों को भी तथागत बुद्ध के दर्शन करना हो या तथागत बुद्ध के ओवाद उपदेश सुनना हो तो वो लोग श्रावस्ती की तरफ आते थे। एक समय तथागत बुद्ध से मिलने के लिए कोई युवा भिक्षु लोग श्रावस्ती के जेतवन विहार में आए थे। सुबह सुबह एक बार श्रावस्ती के जो जेतवन बुद्ध विहार वो तो बहुत बड़ा विहार है तो विहार में ऐसे घूम रहे थे तो वहां पे उन लोगों ने एक अंधे भिक्षु को देखा। वो अंधे भिक्षु जिसका नाम चक्खुपाल थेर थे तो वो बनते वहां पे जो संक्रमण सुबह सुबह जो ध्यान से संक्रमण करते थे अभी बरसात समय में वहां हर तरह के कीड़े ऐसे निकलते हैं वो बनते तो आंखों से देखते नहीं तो वहां जो संक्रमण करते थे तो वो कीड़े पैरों के नीचे आके मरते थे तो वो चक्खुपाल भंते के जो संक्रमण करने की जगह है वहां पे देखा तो वहां पे बहुत सारे कीड़े मरे हुए थे तो वो भिक्षुओं को लगा अरे ये चक्खुपाल भंते जब आंखें दिखते थे तब तो क्या क्या करके बैठे होंगे अभी आंखों से अंधे हो गए तो संक्रमण के नाम पे ध्यान के नाम पे निर्दोष प्राणियों को हिंसा कर रहा है ये तो अच्छा नहीं है ये तो पाप हो गया। चलो अभी हम तथागत बुद्ध को ये निवेदन करते हैं तो वो लोग तथागत बुद्ध के पास गए और भगवान बुद्ध को वंदना करते हुए निवेदन करते हैं कि भो भगवान ये चक्खुपाल थेरा कि संक्रमण के नाम पे धम्म करने के नाम पे निर्दोष प्राणियों को मार रहा है ये तो हिंसा हो गया ना ये तो गलत हो गया ना। उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं हे भिक्षुओं ये चक्खुपाल थेर ने निर्दोष प्राणियों को मारा ये तुम लोगों ने देखा क्या? सारे भिक्षु लोग कहते हैं नहीं हमने नहीं देखा। तथागत बुद्ध कहते हैं चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि चेतना युक्त कम्म को ही चेतना युक्त काम को ही या जो मनसाय से या जो प्रयास करके या जो मैं करूंगा करके जो करते हैं ऐसे काम को ही मैं कम्म कहता हूं। कम्म बोले तो काम
काम बोले तो जो हम शरीर से काम करते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, ये जो मन से सोचते हैं, ये काम, और ये काम जो चेतना से, मनसाय से, इंटेंशन से हम करते हैं, तो ऐसे काम को तथागत बुद्ध ने कर्म कहा है। तो ये जो चक्षुपाल थे आंखों से दिखता नहीं, और वो भंते जी संक्रमण करते हैं, तो कोई भी प्राणियों को मारने की मनसाय या इंटेंशन या चेतना नहीं रहते, क्योंकि वो अरट हो चुके थे, क्योंकि वो दुख मुक्त हो चुके थे। सभी क्लेश, सभी तृष्णा उन चीजों से मुक्त हो चुके थे, इसलिए उनके मन में किसी भी प्राणी को मारना तो दूर, दुख और कष्ट देने की मनसाय भी नहीं रहता। इसलिए जो संक्रमण करते हैं, वो संक्रमण करते समय कोई भी प्राणियों को मारूंगा ऐसा मनसाय नहीं है, इसलिए उनको कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। जब कोई भी प्राणी देखते हैं, या मच्छर को हम ऐसा ताली बजा के हो, या इलेक्ट्रिक बैट यूज करके हो, या कैसे भी जब हम पीछे जाके मारते हैं ना, वो तो मारने के मनसाय से मार रहे हैं, इसलिए वो अकुशल है, वो पाप है। मगर जब हम कहीं चलते हैं, यहां वहां जाते हैं, और अपने पैरों के नीचे न जाने कौन से प्राणी, कौन से कीड़े मकोड़े हमारे पैरों के नीचे आके मर रहा है, मगर मारेंगे ऐसा मनसाय नहीं है, इसलिए उसका पाप नहीं लगता। जैसे कि ये हवाओं में हम आंखों से नहीं देख सकते, मगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये हवाओं में इतने कीटाणु रहते हैं। हम जब नाक से श्वास लेते हैं तो हवा के साथ साथ वो कीटाणु भी अंदर जाते हैं, और हमारे शरीर के गर्म पना से वो सारे कीटाणु मर जाता है। मगर ये हवा लेते मैं लाखों करोड़ों कीटाणुओं को तो मार के ही छोड़ूंगा, ऐसे मनसाय से कोई विश्वास नहीं लेते, इसलिए इसका पाप नहीं लगता। जैसे कोई किसान खेतों में काम करते हैं, खेतों में हर तरह के जोतना, हर तरह से काम करते हैं, और न जाने वो खेतों में कितने प्राणियां वहां मर रहे होंगे, मगर कोई भी किसान मैं प्राणियों को मारूंगा करके वहां काम नहीं करते, इसलिए उसका पाप नहीं लगता। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, ये हिंसा, ये जो प्राणी हिंसा या किसी को मारना, ये पूरा होने के लिए 5 अंग पूरा होना चाहिए। अगर ये 5 अंग पूरा होता है तो वो हिंसा होता है, और वो हिंसा होता है तो वो अकुशल है, वो पाप है, और पाप है तो उसका दुखद विपाक भी है। तो 5 अंग क्या क्या है? सबसे पहले प्राणी जीवित होना चाहिए, एक। दूसरा, वो प्राणी जीवित है ऐसा हमें पता होना चाहिए। तीसरा, वो जो जीवित प्राणी है इसको मारने की मनसाय उत्पन्न होना चाहिए, या हो सकता है जैसे मच्छर वच्छर या मक्खी जो आता है एकदम हमें तकलीफ देते रहता है, बार बार आते रहते, तो इरिटेट होके एकदम मारने का मनसाय होता है, तो ऐसे कोई मारने का मनसाय होना चाहिए, ठीक। 4, मारने के मनसाय उत्पन्न के हिसाब से मारने की प्रयास भी होना चाहिए, चेष्टा करना चाहिए। और 5, वो प्राणी मरना चाहिए, तब जाके वो हिंसा होता है। अगर मनसाय नहीं, और कहीं आते जाते समय, या श्वास लेते समय, या दवा लेते समय, या खेतों में काम करते समय कोई प्राणी वहां मरता है, तो उसका कोई भी विपाक नहीं, कोई भी उसे हिंसा नहीं कहते। इसलिए इस दुनिया में जितने भी प्राणी है, सारे प्राणी अच्छे से रहना चाहते हैं।
साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि, तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।